नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जीएस के यहाँ पर फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें जो है पॉलिटी का सेक्शन करा रहे थे। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग जो है रेगुलेटिंग एक्ट, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के भाग, ये पढ़ चुके थे। अब हम लोगों की बारी है संविधान की अनुसूचियां पढ़ने की। तो दोस्तों, अब बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने सेशन को शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर संविधान की अनुसूचियां हैं। तो संविधान के भाग के बाद हम लोग संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। संविधान की अनुसूचियों का मतलब होता है, अनुसूची का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, बस इसका मतलब ही समझ लेते हैं। अनुसूची, हम लोग कहते हैं अनुज, अनुज का मतलब छोटा भाई। तो अनु माने बाद में आने वाला, अजमाने जन्म लेने वाला। तो अनुसूचियां, अनु का मतलब बाद में आने वाला। तो अनुसूची क्या होता है? संविधान के अंत में दिए गए सूचियां है। तो किसकी सूची है? विषयों की सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। तो अनुसूचियां क्या होती है, हम लोगों को पता ही नहीं होता अनुसूची का मतलब क्या होता है, अनुसूचियां होती क्या है। तो अनुसूचियां क्या होती है? संविधान के अंत में दिए गए विषयों की वह सूची होती है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। आप लोगों को पता ही होगा, 1 से लेकर 8 तक संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, ये जो अनुसूचियां क्रम बाय क्रम जोड़े गए हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं। तो जैसे 8 अनुसूचियां पहले थी, तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया है। तो हमको ये ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई, पहली बार अनुसूची कब जोड़ी गई, ठीक है। तो उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन, और 52वें संविधान संशोधन में 1985 में किया गया। 52वें संविधान संशोधन में क्या था? दल बदल। अभी ये सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9, 10, 11, 12 क्रमशः पहला संविधान संशोधन, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई। तो दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। तो जो पहली अनुसूची हमारा, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि अनुसूचियां क्या होती है, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। तो पहली अनुसूची किसकी व्याख्या करती है? हमारे भारतीय में, हमारे भारतीय संघ में कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। मतलब राज्य 28 हैं और संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं वर्तमान में। तो ये इसकी व्याख्या करती है, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र। इसमें किसका वर्णन होता है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम का वर्णन होता है और उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार का ब्यौरा दिया होता है। तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र होते हैं। तो पहली अनुसूची में भारत के संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी अनुसूची में आता है। अच्छा, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन है, ये ध्यान देना है। हम लोग दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में कंफ्यूज होते हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि वेतन, भत्ते एवं पेंशन, और ये देखिए नीचे तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तो अब हम इसको कैसे याद कर लें आसानी से? तो अब देखिए, हर कोई इंसान चाहता है वेतन भत्ते मिले उसको, पैसा रुपया मिले उसको, है। और शपथ वपथ की वो तो नैतिक रूप से बाद में देखता है कि शपथ क्या है, उसके क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व, तो वो सब तो बाद में देखता है। तो पहले इंसान पैसे के ही पीछे पागल होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में, दूसरी में क्या है? पैसा है, मतलब वेतन भत्ते और पेंशन है। अब हम ये देखते हैं, ये अब यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, कि दूसरी अनुसूची में किसके किसके वेतन भत्तों का वर्णन है। तो अब बहुत आसान है याद करना। अब देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और कैग, ये एक नजर में ध्यान देना है, कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और कैग है। उसके बाद अगला और आसान है। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद है, और इधर विधानसभा और विधान परिषद मतलब विधानमंडल है, और इधर उच्च सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब न्यायपालिका है, ठीक है, यहां ध्यान देना है। तो क्या बड़े आसानी से याद हो गया? लोकसभा और राज्यसभा में कौन होगा? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, और ऐसे ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होगा। विधानसभा में कौन होगा? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा, और विधान परिषद में सभापति और
उपसभापति होगा। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किसमें? दूसरी अनुसूची में। तो याद हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कितना आसान है याद करना, हम लोग इसी में पढ़े रहते याद करते करते, है कि नहीं, याद नहीं होता। तो इसको बांट लिया हमने, है कि नहीं, तीन चार भागों में इसको बांट लिया और याद हो गया आराम से। संसद, विधानमंडल, न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल और कैग, ये हो गया। अब ऐसे ही तीसरी अनुसूची याद करनी है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तीसरी अनुसूची में अब किसकी शपथ है? विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है, ये ध्यान देना है। अब कौन कौन से अधिकारी आते हैं? अभी हमने जो जो ऊपर पढ़े हैं, अब देखिए, ऊपर हमने संसद पढ़ा है, ऊपर हमने विधानमंडल पढ़ा है, ऊपर हमने कैग पढ़ा है, और ऊपर हमने न्यायपालिका पढ़ी है, ऊपर हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति नहीं है यहाँ, केंद्रीय मंत्री है, ऊपर हमने राज्यपाल पढ़ा था, लेकिन यहाँ राज्यपाल नहीं, उसकी जगह राज्य मंत्री। समझ में आया? और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है वो संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। तो पहली अनुसूची में तीसरी अनुसूची में उसका वर्णन नहीं है। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 60 में वर्णन है। ऐसे ही राज्यपाल का, ऐसे ही राज्यपाल का किस अनुच्छेद में वर्णन है? उसके उसकी शपथ का 159 में वर्णन है। ये चीज अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तुरंत नोट कर लीजिए वहां पे, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता था किसका था? राष्ट्रपति, राज्यपाल, कै। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति केंद्र में, एक हिसाब से मान लेते हैं समझने के लिए, राष्ट्रपति केंद्र में, वो हट गया यहाँ पर, तो उसकी जगह केंद्रीय मंत्री आ गए सारे। राज्यपाल राज्यों में, तो राज्यपाल हट गया, तो उसकी जगह राज्य मंत्री आ गए सारे, बाकी सब सेम है कि नहीं। संसद के सदस्य हो जाएंगे, विधानमंडल के सदस्य हो जाएंगे, उसमें अध्यक्ष सभापति थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति थे, इसमें सदस्य आ जाएंगे सारे, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमको आसानी से याद हो गया। तो वेतन भत्ते किसके किसके थे याद कर लीजिए एक बार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, साथ साथ में रिवाइज करिए आप लोग भी, तभी तो आप लोगों का भी रिवीजन होगा, ऐसे ही हमारा ही खाली होता रहेगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे ही लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये हो गए। उसके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीश हो गए जो, उनके वेतन भत्ते, शपथ है, ठीक है। अब इसमें तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं है, उसकी जगह केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री है, कैग है, कैग भी है यहाँ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, यहाँ भी हैं, ठीक है, और संसद और विधानमंडल के सदस्य वहां भी हैं, यहाँ भी हैं, उसमें अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, इसमें सभी आ जाते हैं, बस इतना ध्यान देना है। आसानी से ऐसे रिलेट करके आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची में कौन कौन आता है, ठीक है। अब चौथी अनुसूची में क्या क्या आता है कि राज्यसभा में स्थान का आवंटन, मतलब किस राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, तो ये कहां पर वर्णन है? चौथी अनुसूची में। अगर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 से 32 या 33 करना हो तो ये किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा? चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा, है कि नहीं। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में। इसमें दिल्ली भी आ जाता है, पांडिचेरी भी आ जाता है, जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग चौथी अनुसूची भी पढ़ लिए। पहली अनुसूची में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उसके नाम तथा उसके विस्तार क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन है। तीसरी में शपथ है। चौथी में आप लोग भी बोला करिए अपने अपने यहाँ जहां भी सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम ही ना बोले खाली। चौथी में, हाँ बहुत बढ़िया, राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। अब उसके बाद पांचवी अनुसूची है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण पर है, उसके बारे में उपबंध है पांचवी अनुसूची। और हम लोग पांचवी और छठी में कंफ्यूज होते हैं, है कि नहीं। अब आगे भी पांचवी और छठी पढ़ लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होंगे, उनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उनका पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजों का वर्णन पांचवी अनुसूची में है। और अगर वहां से संबंधित पांचवी अनुसूची के अधीन जो जनजातीय भूमिका के लिए यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, यदि कोई प्राइवेट सेक्टर, यदि कोई निजी पक्षकार अपनी
अपना हस्तक्षेप करता है तो राज्य उसको अकृत और शून्य भी घोषित कर सकती है। यहां ध्यान देना, मतलब पांचवी अनुसूची के तहत जो क्षेत्र आते हैं उसमें निजी क्षेत्रों को प्रतिबंधन भी किया जा सकता है, निजी क्षेत्रों को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, यहां ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पांचवी अनुसूची, अच्छा पांचवी अनुसूची हो गई। अब छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची भी इसी से संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया गया, विशिष्ट राज्यों का उल्लेख कर दिया गया, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम याद नहीं होता है, तो AMTM से याद कर लीजिए आप, ठीक है, AMTM। अब लेकिन M में आपको याद रखना है कि मणिपुर नहीं है, है कि नहीं, मिजोरम और मेघालय है, मणिपुर नहीं है, ये याद रखिए। नहीं तो हम लोग ट्रिक बना लेते हैं AMTM, पता चला मणिपुर कर देते हैं उसमें एक एम में, है कि नहीं, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। पांचवी में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, लेकिन छठी अनुसूची में राज्य का निर्धारण कर दिया गया, और छठी में चार राज्य का निर्धारण किया गया, छठी अनुसूची में चार राज्य का निर्धारण कर दिया गया है कि नहीं, मतलब 64 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया है, ये तो ऐसे याद, मतलब ऐसे ही नंबर से रिलेशन बन जाता है कि नहीं। तो छठी अनुसूची में चार राज्यों का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। एम से याद रखिएगा, मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम है। अब देखिए सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। अब शक्तियों का विभाजन कहाँ होगा, केंद्र और राज्य में, संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा कर एवं शुल्क जो लगाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब भाई सरकार कर और शुल्क तो लगाएगी ही, अब कौन से विषय पर केंद्र सरकार कर लगाएगी, कौन से विषय पर राज्य सरकार कर लगाएगी, इन सब चीजों का वर्णन यहां पर किया गया है। तो इस चीजों से हम समझ सकते हैं, मतलब शक्तियों का विभाजन है, और इसके तहत तीन सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समवर्ती सूची हमारे संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो संघ सूची आ जाता है, अब संघ सूची में, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो इसमें जाहिर सी बात है संघ सूची है तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, जो जाहिर सी बात है जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषय होंगे वो आएंगे, जैसे रक्षा, विदेश, संचार, जनगणना हो गई, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, वायुसेना, नौसेना, है कि नहीं, थल सेना, ये सारी चीजें जो हो गई ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हम देख लेते हैं, विदेश, रक्षा, संचार, रेलवे, डाकघर, शेयर बाजार, अरे ये तो गाना टाइप का हो गया, है कि नहीं। अब इसको याद करने के लिए आप गाना आप एक ले टाइप का बना भी सकते हैं, जैसे विदेश, सुरक्षा, संचार, रेलवे, डाकघर, शेयर बाजार, है कि नहीं। अब शेयर बाजार की जगह, अब देखिए शेयर बाजार हो गया, अब देखिए रेडियो, टेलीविजन, बचत बैंक, बैंकिंग, निगम कर, ये सारी चीजें आ जाती हैं संघ सूची में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, कौन सी चीजें किस लेवल पर इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हमको याद हो जाएगा, संघ सूची में हम दिमाग लगा ले जाएंगे। तो संघ सूची में ये सारे विषय आ गए, और कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। अब राज्य सूची में जाहिर सी बात है राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय होंगे, जो राज्य स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण विषय होंगे, जैसे पुलिस, हम लोग पढ़ते हैं ना MP पुलिस, UP पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब जब पुलिस हो गया, अब यहाँ पर देखिए रेलवे और पुलिस दो नहीं है, रेलवे पुलिस एक ही है, ठीक है। रेलवे पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, हम लोग रेलवे सोचते हैं एक सेंट्रल की नौकरी देता है रेलवे, तो हम लोग सोचते हैं रेलवे पुलिस भी सेंट्रल में आ जाएगा, केंद्र सूची में आ जाएगा, नहीं, रेलवे पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, पुलिस, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। अब भैया जब पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो कारागार भी राज्य सूची का विषय होगा, है कि नहीं। पंचायती राज चूंकि स्थानीय विषय का क्षेत्र है, तो ये स्थानीय क्षेत्र में आएगा राज्य सूची के विषय। अब भूमि सुधार भाई, भूमि हर जगह की अलग अलग भूमि होती है, अलग अलग वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, भूमि का हो जाएगा। ऐसे ही कृषि हो जाएगा, कृषि भी राज्य सूची का विषय हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी स्थानीय विषय है, तो ये भी राज्य सूची का विषय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति कर, ये भी राज्य सूची के विषय में आ जाएगा, है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग 1935 के अधिनियम में भी पढ़े थे, उसके बाद भी पढ़े हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिनमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। तो आप लोग ये बताइएगा वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, हम बता चुके हैं पहले, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राज्य सूची के विषय पर कब कब किस अनुच्छेदों के तहत
केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यही तो एकात्मक व्यवस्था हो गई भारतीय संविधान की, ये एकात्मक विशेषता हो जाती है। हम लोग एकात्मक हम लोग संविधान की विशेषताओं में भी पढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताया करिए। क्या होता है कि जब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे ना, तो जब आप लिखेंगे तो आपको याद होंगी चीजें, और यदि आपको नहीं पता होगी तो आप खोजबीन करेंगे उस आंसर की, है कि नहीं, तो आपको चीजें याद होंगी। खोजबीन करने से ज्यादा याद होता है, जब आप किताब खोलेंगे नेट से सर्च करेंगे तो आपको चीजें याद होंगी, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए समवर्ती सूची आ जाता है। अब समवर्ती सूची है, जाहिर सी बात है, अच्छा ये क्वेश्चन हम पूछ ही चुके हैं, ये आपको बताना है समवर्ती सूची किस किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये भी बताना है। अब देखिए अगला, दोनों कानून बना सकती है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु यहां लिखा है गतिरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यहां पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, इसमें शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, माप तोल, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विवाह आ जाता है, विवाह विच्छेद आ जाता है, तलाक, गोद लेना, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, ये सारी समवर्ती सूची के विषय आ जाते हैं। अब इसमें आपको बताएं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें जो पांच विषय थे, पांच विषय पहले राज्य सूची के विषय थे, उनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जैसे ये शिक्षा आता है ना, पहले राज्य सूची का विषय था, वन एवं पर्यावरण आता है ना, पहले राज्य सूची का विषय था, माप तोल आता है ना, पहले राज्य सूची का विषय था, ठीक है, वन्य जीव आते हैं ना, वन आता है, वन्य जीव आते हैं, जैसे वन एवं पर्यावरण हो गया, वन्य जीव आते हैं, ये भी राज्य सूची का विषय हो गया, न्यास परिषद आती है, ये भी राज्य सूची का विषय हो गया। तो पांच विषय ये थे, कौन कौन से, शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, माप तोल, वन्य जीव और न्यास परिषद, ये सारी चीजें पहले राज्य सूची का विषय थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको समवर्ती सूची में कर दिया गया। इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, विवाह आता है इनमें, सीआरपीसी और दंड प्रक्रिया आती है, इन पर कानून कौन बनाता है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकती हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, जनसंख्या नियंत्रण से जनगणना, जनगणना ध्यान दीजिएगा केंद्र सूची का विषय, परंतु जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय, यहां से क्वेश्चन हो जाता है। जहां अंतर दिखे आपको, जहां कुछ घाल में दिखे, जहां आपको कंफ्यूजन होगा, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अपना कंफ्यूजन आगे पीछे से रिलेट करके दूर कर सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे जब तक पीछे पन्ना नहीं पलटेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग, आठवीं अनुसूची, सात अनुसूचियां होगी, आठवीं अनुसूची में ध्यान दीजिएगा पहले 14 भाषाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो 14 और 8, आठ भाषाएं क्रमशः संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो ये प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थी कौन कौन सी थी, स्क्रीन पर देखिए कौन कौन सी भाषाएं थी, हमको याद है कौन कौन सी भाषाएं थी, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, उसके बाद जोड़ी गई सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये हमने एक लय के रूप में याद कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही हमको प्रस्तावना भी याद है, बहुत सारी चीजें ऐसे याद हैं, लेकिन इन सब चीजों को आपको याद नहीं करना, बस एक चीज ध्यान देनी है, अभी बताते हैं क्या। अब यहां से हम लोग देखते हैं, जो प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थी ये हो गया है, ठीक। अब जो 15वीं भाषा थी वो सिंधी भाषा थी, यहां ध्यान देना है कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सी भाषा पहली बार जोड़ी गई, कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में पहली बार जोड़ी गई, तो कौन सी, सिंधी। कौन से संविधान संशोधन, 21वां, कब, 1967 में, बहुत आसान याद करना, अभी बताते हैं। और दूसरा है जैसे 16, 17, 18, उसके बाद ये एक भाषा यहां जोड़ी गई, तीन भाषा यहां जोड़ी गई, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन 1992, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर क्या आता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कुछ लोग इसको एक वो लगा लेते हैं, क्या, नमक, नमक एक इनका ट्रिक हो जाता है, नमक से, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी। अब यहां कोंकणी है, कन्नड़ मत कर दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम यहीं से, अगर आप ट्रिक ट्रिक में भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है, यहां कन्नड़ नहीं है, कोंकणी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
और 21वां संविधान संशोधन पहला था, 71वां संविधान संशोधन दूसरा था, 21 71 जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। तो 19 20 21 22 ये जो चार भाषाएं यहां जोड़ी गई वो 92 संविधान संशोधन, 21 71 92। और ये कब जोड़ी गई, ये भी 92 में जोड़ी गई। 16वां 17वां जो तीन भाषा जो जोड़ी गई, नमक जो जोड़ा गया वो 92 में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यहां से यह ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कौन सा है, मैथिली डोगरी बोडो संथाली। अब इसको कैसे याद करें, कई लोग इसमें भूल जाते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप बॉडमास याद कर सकते हैं, BDMS या BDMS, देखिए शायद मेडिकल का कुछ विभाग होता है BDMS, है कि नहीं, मेडिकल में कुछ जॉब वगैरह निकलती है BDMS, या बॉडमास से निकल सकते हैं जो हम लोग मैथ में लगाते हैं बॉडमास रूल, ऐसे याद कर सकते हैं, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। तो कितनी आसानी तरीके से याद हो गया हम लोगों को सारी भाषाएं, तो ऐसे ही हम लोगों को याद करना। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है, ठीक, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है, अंग्रेजी दे देगा ऑप्शन, आपको लगेगा अंग्रेजी तो शामिल होगी लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं, यह ध्यान दीजिएगा। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि क्या 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, क्या वही किसी राज्य की राजभाषा हो सकती है, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे नागालैंड की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है, ठीक नहीं, यहां ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ऐसे ही फैक्ट क्लियर होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी। अब देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण आता है 9वीं अनुसूची। अब हम लोग पढ़े थे शुरुआत के 8 अनुसूचियां संविधान के प्रारंभ से ही थी, लेकिन वर्तमान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब 9वीं अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा। अच्छा अब ये ध्यान दीजिए, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये क्यों जोड़ी गई भाई, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, फर्जी नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्यों जोड़ी गई, क्योंकि इस सूची में जो भी विषय शामिल होगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्यों जोड़ी गई, क्योंकि उस समय देखिए भारत नया नया आजाद हुआ था, तो भारत में किसानों के पास या जो गरीब तबके थे उनके पास जमीन वमीन की संपत्ति की काफी कमी थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो कृषक वर्ग था उसकी जमीनें जमींदारों को हस्तांतरित कर दी गई थी, है कि नहीं, जमींदार बहुत धनाढ्य हो गए थे, बहुत हजारों हेक्टेयर बीघा उनके पास हो गया था। तो इसी को हमारे सभी किसानों को भूमि प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, यदि उस पर कुछ आंच आती तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता था, और इसलिए इस अनुसूची को शामिल किया गया कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जो हदबंदी आया, लोगों को जमीनें दी जाने लगी। तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उसी अनुच्छेद 38 का भाग 2 क्या है कि सभी प्रकार की आय प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की जो असमानताएं फैली हैं हमारे देश में उसको दूर करना, तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, ठीक है। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे दुरुपयोग होने लगा था, जब दुरुपयोग होने लगा तो भैया न्यायालय 2007 में हस्तक्षेप किया, IR कोहल्यो केस इसको कहते हैं या सेलो केस कहते हैं बनाम तमिलनाडु केस में। अब सरकार को इसमें जो भी फायदा लगता था उसको उठा के 9वीं अनुसूची में डाल देती थी सरकार, तो क्या करे भाई, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा इसमें कि नहीं आप लोग अब ये नहीं कर सकते हैं, और ऐसा विषय अगर आप 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करेगी। और ये हस्तक्षेप कब से लागू किया गया, 1973 के बाद से लागू किया गया, कि 1973 के बाद से जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा वही विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप करेगी। अच्छा 1973 की डेडलाइन क्यों दे दी गई, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि 1973 में ही आधारभूत ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लाई गई थी, तो इसलिए 1973 के बाद से ही यह प्रावधान किया गया कि यदि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई विषय संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो अब आपको ये चीजें 9वीं अनुसूची समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी बहुत आसान है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। इसमें यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम बताएं, दा से 10वीं होता है, दा से दल बदल होता है कि नहीं।
दसवीं में दल बदल है, दासे दस दासे दल बदल, हो गया याद आपको, कब? 52वां संविधान संशोधन 1985। अब आ जाता है 11वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 संवैधानिक संशोधन 1993 को जोड़ी गई, स्थानीय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, इससे पूछा इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची आ जाता है, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब इसमें क्या जाता है? स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है, 11वीं अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के लिए। अब इसमें और इंपॉर्टेंट आ जाता है, कितने विषय शामिल है? 18 शामिल है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, और बहुत आसानी से इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि देखिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, और इसी को 29 विषय हैं, अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हो जाएंगे। सब चीज रिलेटेड है एक दूसरे से, संख्याओं को याद करना तो बड़ा आसान है, फैक्ट भी को याद करना बड़ा आसान है कि नहीं, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें हम हल्का सा अगर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने पूरी 12 की 12 अनुसूचियां पढ़ ली, अब इसके बाद हमारा सेशन आएगा प्रश्नोत्तर का सेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है ये प्रश्नोत्तर लगाना तो आपको धारदार बनाता है। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी अनुसूची में, बहुत बढ़िया, साथ साथ रिवीजन करते चलिए, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, पेंशन है, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, पांचवीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का और नियंत्रण है, और छठी अनुसूची में छठी 4 है, 64 असम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर नहीं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है, AMTM है कि नहीं। सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, मतलब सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसी से संबंधित आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, नौवीं अनुसूची में कुछ विषयों का विधिमान्यकरण है, दसवीं में दासे दस दासे दल बदल है, ग्यारहवीं में पंचायती राज है, बारहवीं में नगर पालिका है, तो कितनी आसानी से हम लोगों को याद हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों इसको रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है, रिवीजन जब तक नहीं करेंगे सिलेक्शन से दूर होते ही जाएंगे, और हम लोग अगले सेशन में MCQs लाएंगे, ये तो पता ही है। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है, सेशन को पसंद तो जरूर ही आया होगा, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नहीं किए होंगे तो दूसरों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, ताकि उपयोगितावादी सिद्धांत जेरेमी बेंथम और मिल और गांधी के सर्वोदय की संकल्पना संपूरित हो सके, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद, जय भारत।